नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। आप सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 15 अगस्त हर साल आती है और हमें फिर से जो है झकझोर के चली जाती है कि जागो देश के नौजवानों, जागो। और देश के आज़ादी में कुर्बानियां दिया है उन्हें याद करें। तो सिर्फ 15 अगस्त ही क्यों, देश के लिए जान देने वाले वीर सपूतों को हम पूरे साल याद करें, हमेशा याद करें। जब तक जान हो तब तक उनका नाम याद रखें, उनका गुणगान करें, उनकी बहादुरी का जो है सैल्यूट करें, जय हिंद बोलें, उनको दिल से सम्मान दें। देर सजनों, ये आज का दिन 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था एक बहुत ही खतरनाक गुलामी के जंजीरों से बंधा हुआ। तो आप सभी को जो है अपने आज़ाद देश की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आज़ाद देश में बहुत कुछ आज़ादी मिली है तो बहुत सारे कर्तव्य भी मिले हैं अपने लिए, देश के लिए, माँ बाप के लिए, गुरुजनों के लिए, समाज के लिए, अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए कुछ करने का। तो इन सभी चीज़ों को साकार करने के लिए आपको जागना होगा और सभी को भारतीय कॉन्सेप्ट की तरफ से, भारतीय लर्निंग ऐप की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आइए मैं आपको कुछ 15 अगस्त की पुरानी गाथाओं को, पुराने लोगों को उनके स्लोगन के द्वारा याद करते हैं। जाने भगत सिंह ने कहा कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका, भगत सिंह ने कहा लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा मेरे लहू का हर एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा, यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे वतन, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का एक सैलाब आएगा। देव सजनों, जब कुछ अच्छा करने के लिए कोई अपना बलिदान देता है तो उस दिन से एक नई क्रांति आ जाती है और सभी लोग जागते हैं। तो भगत सिंह का जो स्लोगन था ये सचमुच ये वीर सपूत सब कुछ जानते थे कि मैं तो आज अपने देश के लिए जान देने जा रहा हूँ, शहीद होने जा रहा हूँ, लेकिन अंग्रेजों तुम ये जान लेना तुम मुझे एक को मारोगे तो एक के मरने के बाद हजारों लाखों करोड़ों जो है अपने जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, एक आज़ादी का जो है जुनून पैदा हुआ। तो हम अपने देश के वीर सपूत भगत सिंह को जय हिंद कहते हैं। आइए और भी याद करें ऐसे वीर सपूतों का। आज आपके सामने जो है भारत माता का तहे दिल से आदर करते हुए कुछ पल समर्पित करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसे वीर होते थे हमारे देशों में जो कातिलों को, अंग्रेजों को, नरसंहार करने वालों को खुलेआम चुनौती देते थे कि तुम्हारे तलवार में कितना ताकत है, किन भारतीयों के बाजू को काट सकोगे। उनकी शक्तियों को आजमाने के लिए, उनके शक्तियों को ललकारने के लिए, ये अपने कुर्बानी हंसते हंसते देने के लिए इस पुण्य पथ पर अग्रसर हो जाते थे। ऐसे वीर सपूत थे हमारे भारत देश का और अभी भी हैं। तभी तो देश चल रहा है, तभी तो आज हम हैं, आप हैं, सभी लोग सुकून के साथ घर में बैठे हैं।
ये तो बहुत ही फेमस स्लोगन है जो बचपन से आप लोग सुनते आए हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये एक ऐसा शब्द है कि जिसके सुनने के बाद, जिसे सुनने के बाद जो है भारत माँ के हजारों लाखों करोड़ वीर सपूत अपने सर को जो है कुर्बान करने के लिए तत्पर हो जाते थे, लेकिन भारत माँ का सर झुकने नहीं देते थे। ऐसा देश है मेरा। आजादी नहीं होती, है इतनी आसान, इस आजादी के लिए न जाने, कितने महानायकों ने कुर्बान की है अपनी जान। सही बात है कि यदि ये हमारे नायक, हमारे देश के वीर सपूत आज न होते तो शायद भारत आज भी गुलाम होता। तो ऐसे वीर सपूतों को दिल से एकदम उनको हम नमन करते हैं, सभी भारतीय नमन करते हैं। आज हम सभी के दिल में उनके प्रति श्रद्धा, सम्मान और रिस्पेक्ट है और ये अंतिम पलों तक बना रहेगा। जय हिंद बच्चों। आज़ादी का सुनहरा पल था जो रात को सोने नहीं दिया और आपके सामने हम हाजिर हो गए। ये आज़ादी का जो है, आज़ादी तो हमें है ही, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं कि उनके लिए जिन्होंने हम लोगों के लिए अपनी जान दे दिया है। ये 15 अगस्त की स्लोगन दिल को झकझोर देती है और भारत माँ के लिए जान देने के लिए, भारत माँ के सुखों के लिए, भारत माँ के प्रति अपना कर्तव्य को हमेशा याद दिलाती है। कहता, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, आ लो तिरंगा प्यारा, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये तिरंगा जो है हम लोग का आन है, शान है और यही हम लोगों का जान है। जय हिंद बच्चों। हजारों बार बोल लो जय हिंद, दिल नहीं मानता, दिल नहीं भरता। कहते हैं कि पानी खाना से पेट भर सकता है, लेकिन ये दिल जय हिंद से, जय हिंद बोलने से, वंदे मातरम बोलने से कभी नहीं भरता।